गुड इवनिंग। तो जो भी हमने पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने के एग्जांपल्स लिए वहां से ये समझ में आया कि मान लेते ये मेटालिक कंडक्टर है, तो ये मेटालिक कंडक्टर को अगर मैं ऐसा कर दूं या ऐसा कर दूं या स्लांट पोजीशन में रख दूं, तो इस मेटालिक कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करके फ्लो करने वाले तो बिल्कुल नहीं है, बराबर, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स उनके ऊपर काम करने वाला नहीं है उनके साइज की वजह से और उनके मास की वजह से। तो इनके ऊपर काम क्या करेगा? तो किसी भी कंडक्टर में अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है तो हमने पहले क्या देखा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहां से कहां होंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पॉइंट से लेकर जहां पर कम इलेक्ट्रॉन होंगे उस पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, बराबर, ये हमने पिछले वीडियो में देखा। तो मुझे अगर ये फ्लो कराने के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा कौन करता है, अगर वो फ्लो तो कराना ही हमें, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, चैप्टर तो हम वही कर रहे हैं। तो ये अगर हमारा मेटालिक कंडक्टर है, तो हमने एग्जांपल लिया ए बी हमारा मेटालिक कंडक्टर है, इस ए बी में कुछ अब एक एंड पर डेफिसिट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जमा करने और एक अमाउंट पर ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन जमा करने, एक जगह पर कम कर देना है एक जगह पर ज्यादा कर देना है, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा फ्रॉम मोर टू लेस, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो ये काम जो करता है वो हमारा सेल या बैटरी करता है। तो मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स की, अभी हम टॉपिक पे आए नहीं है लेकिन उसके सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सोर्स है वो एक सेल या बैटरी होता है, और जैसे ही इस मेटालिक कंडक्टर के एंड पर मैं एक सेल या बैटरी अटैच कर देता हूं, तो एक एंड को वो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भर देता है और दूसरे एंड को वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भर देता है, या फिर एक जगह पर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक जगह पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस आ गया, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, आ रहे समझ में? तो नॉर्मली जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी किया और वहां से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात यही कहता है कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट, ये दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे, इन्हीं के बीच का डिफरेंस। तो द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा नहीं। अब इसका मोर क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होगा, तो वो समझने के लिए हम बोलेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब अगर मैथमेटिकली हम इस चीज को समझे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। अब यहां पर दो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उनका डिफरेंस है, तो वी वन माइनस वी टू इक्वल्स टू वर्क डन का डब्ल्यू है और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव का Q है, तो V1 माइनस V2 अपॉन W अपॉन Q, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और इस चीज को हम ऐसा देख सकते हैं, ये चेंज है, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं डेल्टा V, ऐसा नहीं। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल, इट इज नॉट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, भाई ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट पर, तो जो हमारा रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, उस रिलेशन को स्टडी करते हैं। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नथिंग बट यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम उसी यूनिट में नापते हैं जिस यूनिट को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या था, वोल्ट था, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट ही होगा,
तो वोल्ट, तो वन वोल्ट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क, इसे हम नाइन्थ में स्टडी किया था, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, तो ये वन जूल आ गया, और यूनिट ऑफ चार्ज इज नथिंग बट कूलम, तो वन वोल्ट इक्वल्स टू वन जूल अपॉन वन कूलम। यहां से हम ऐसा ही बोल सकते हैं वोल्ट का जो डिनोशन है वो कैपिटल वी है, जूल का डिनोशन कैपिटल जे और कूलम का कैपिटल सी, तो वन वी इक्वल्स टू वन जे अपॉन वन सी, और दिस कैन बी रिटन एज वन वोल्ट इज इक्वल टू जूल कूलम इनवर्स। तो इस तरह से भी कभी कभी वो यूनिट देते हैं। अब आ जाते हैं, कई बार पूछता है भाई डिफाइन वन वोल्ट करो, तो आप लोग डिफाइन करो कि वन वोल्ट क्या है, तो हम सिंपल वर्ड्स में वन वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, दी इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन सेंडिंग वन कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वन वोल्ट। मान लेते हैं हमने वन जूल ऑफ वर्क किया, वन कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड करने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो हमने जो हमारा वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा कितना, वन वोल्ट, या इसे दूसरे तरीके से वैसे ही बोल सकते हैं, वन वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन सेंडिंग वन कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। इस तरह से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, जो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर जो है वो कभी भी, इसके बारे में नोट कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, इसको लिखना भी आपको। तो जो वोल्टमीटर है वो सर्किट में, ये एक सर्किट है, सर्किट के अंदर हमेशा ही पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ये एक पॉइंट इसके बारे में। दूसरा पॉइंट, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, बराबर, ये बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से उसके थ्रू से करंट पास नहीं कर पाते, तो नेग्लिजिबल करंट पासेस थ्रू द वोल्टमीटर, ये बात भी याद रखिए। ओके, वोल्ट मीटर उसका इंस्ट्रूमेंट हो गया। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस का कोई और नाम सुना है तो वो है वोल्टेज, तो वोल्टेज इज अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। होप दिस इज क्लियर आपको। इसमें से सबसे ज्यादा डेफिनेशन पर, वन वोल्ट का डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको उसके जो रिलेशन है V equals W upon Q, ये सब याद रखने, इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और जो मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। ओके, अगर समझ में आया है तो आप इसे कॉपी कीजिए।